एक टेप की मदद से दोनों पेपर को आपस में चिपका कर ऊपर वाले टेप को हटाकर कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है। फिर और एक पेपर लेकर उसके नीचे के साइड रोल करके ग्लू की मदद से चिपका देना है। फिर एक पेपर को ऊपर कुछ इस तरीके का ड्रॉ करके उसे एक कैची की मदद से काट लेना है। ऐसे आपको दो पीसेस बना लेना है। फिर इस तरीके का एक पेपर लेकर ग्लू की मदद से उस कटे हुए टुकड़े को ऊपर चिपका देना है। दूसरे साइड भी आपको वही करना है। फिर उसे उस डंडे के अंदर डालकर ग्लू की मदद से चिपका देना है। फिर उस डंडे के ऊपर साइड एक पेपर को रोल करके ग्लू की मदद से चिपका देना है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा जगह छोड़कर उस डंडे के ऊपर पेपर को रोल करके ग्लू की मदद से चिपका लेना है। फिर पेपर के दो छोटे छोटे सर्कल को नीचे के साइड ग्लू की मदद से चिपका लेने के बाद लीजिए तैयार आपका पेपर बटन, जो कि दिखने में बहुत ही कूल लगता है।